हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ बाई सरफराज में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़ी सच खबरें आप तक दी जाती है। दोस्तों, अभी भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, वो है जेईई मेन और नीट परीक्षा को लेकर। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसकी जानकारी अभी दी है। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। यहाँ पर दिया हुआ है जेईई मेन और नीट परीक्षाओं की तिथियाँ शिक्षा मंत्री ने की घोषित। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक और ट्विट पर लाइव सेशन में छात्रों से लाइव वेब इंटक्शन में वर्ष 2020 की जेईई मेन और नीट परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने छात्रों से लाइव वेब इंटक्शन में कई अन्य सवाल पूछे, जिनके जवाब शिक्षा मंत्री ने दिए। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि वो तिथियाँ क्या है। तो जेईई मेन की तिथियों के लिए रमेश पोखरियाल ने बताया है कि शिक्षा मंत्री ने देश के साथ लाइव वेब इंटक्शन में घोषणा की। जेईई मेन 2020 का आयोजन आगामी 19 जुलाई से 23 जुलाई के मध्य किया जाएगा। वहीं जेईई मेन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड के बारे में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि परीक्षा से 14 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, वो है नीट की परीक्षा की। नीट की परीक्षा कर रमेश पोखरियाल जी ने बताया कि इसी प्रकार नीट 2020 परीक्षा की तिथि को लेकर पूछे गए एक सवाल में के जवाब में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष NEET परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई को किया जा सकता है। इस परीक्षा के लिए 16 से 17 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। दोस्तों, ये रही जेईई और नीट की परीक्षा की प्रमुख न्यूज। दोस्तों, तो इस वीडियो को करिए आप लाइक, कमेंट और साथ ही हमारे वीडियो को कर लीजिए शेयर और हमारे चैनल एजुकेशनल न्यूज बाई सरफराज को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको सबसे पहले न्यूज मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।